अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप सब जानते हैं 27 सितंबर ट्यूजडे यानी मंगल का दिन है, और इस वक्त मैं संत नगर ईदी बाजार आई हूँ, जहाँ पर आंटी बहुत ज़्यादा बीमार है। इनकी बेटियाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इनके बेटियाँ चाहती थी इनकी, जैसे कि इनको लंग्स इन्फेक्शन हो चुका है, इनका शुगर ज़्यादा बढ़ने से इनके किडनी प्रॉब्लम हो चुका है, इनको 20% की किडनियाँ काम करें, इनको 70,000 रुपये की मदद की जरूरत थी, तो अलहमदिल्ला इनको 28,000 रुपये की मदद आई है। मैं इनकी बेटी को इनका अमानत पहुँचा रही हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जिन्होंने इनके लिए मदद की, अल्लाह ताला उनकी कमी में बरकत दे, तरक्की दे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से, हर आफियत से अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और ये बराबर आंटी उनकी बेटी आप लोगों की अपने बराबर दुआ करते रहेंगी। देखिए, और इनको 42,000 रुपये की मदद की जरूरत है, इन लोगों को टोटल 70,000 की जरूरत थी, जिसमें से 28,000 रुपये आ चुके हैं, और 42,000 रुपये की मदद की जरूरत है। तो प्लीज़ आप लोग से जो हो सकता आप लोग आगे बढ़ के इनके लिए मदद करिए। किसी बहन के जैसे कह, देखिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, कोई मरीज की मिजाज कुर्सी करना भी बहुत बड़ा सवाब का और नेक काम है, तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे के लिए मदद करते हैं तो सोचिए अल्लाह ताला आपसे कितना खुश होगा। तो बस मैं ये कहती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट आइए, आके आंटी से मिलिए, उनकी मिजाज कुर्सी करिए, उनसे कहती हैं तो उनकी मालूम करके भी आप मदद दे सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने साथ में अगर कोई बहन को, अपनी बीवी को, माँ को लेकर आइए, आपको बराबर इनसे, इनकी बेटी से मिलाऊंगी, आप अपने हाथ से इनके लिए मदद करें, बहुत बेहतर रहेगा। और अल्लाह ताला आपको यकीन मानिए, इसका बराबर अल्लाह ताला आपको अजर देने वाला है, क्योंकि किसी मरीज के लिए दवाओं का इंतजाम करना, उसके इलाज के लिए इंतजाम करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इस वक्त इनके घर के हालात कितने क्रिटिकल, जैसे कितने परेशान हाल है, लोग आप लोग समझ नहीं सकते इनके हालात को, तो बस आप जो सकें इनके लिए मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। और 42,000 की इनको जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, अभी हमको पैसों की मदद ला के दिए, 28,000 रुपये ला के दिए, अभी हम लोगों को 42 की मदद की ज़रूरत है। कल जल्द से जल्द हमारे अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, इलाज शुरू करना है, अम्मी का टेस्ट आ हुआ सब कराना है, अभी 42 की ज़रूरत है। हम लोगों को मदद करिए आप लोग, और जो जो भी मदद करिए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखेगा। देखिए आप लोग मदद करिए, देखिए आप जो हो सकता आप आगे बढ़िए, मदद करिए। उनकी बेटी का कहना यह है कि इंशाल्लाह ये कल फौरी पहली फुर्सत में अपनी वालदा को लेकर जाकर टेस्ट करवाएंगे, इंशाल्लाह उनका इलाज शुरू हो जाएगा। तो बस आप लोग से ये गुजारिश है कि इनके इलाज को रुकने मत दें, जो भी आपसे हो सका अगर आप जल्द से जल्द मदद करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। खुदा हाफिज़।